नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही, COVID-19 पिछले 24 घंटे में फिर से टूटा रिकॉर्ड, देश भर में मचा हाहाकार, बताएंगे आंकड़े। दूसरी बड़ी अपडेट, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जिनसे कांपते हैं आतंकवादी, बनाए गए थल सेना प्रमुख, आने वाले समय में थल सेना चीफ भी हो सकते हैं, बताएंगे आखिर कैसे आतंकियों की कमर तोड़ कर रख दी है। तीसरी बड़ी अपडेट, फिर दुनिया के सामने बेनकाब हुआ पाकिस्तान, अमेरिका ने पाकिस्तान पर किया बड़ा प्रहार, बोले आतंकियों को संभालो वरना करेंगे एयर स्ट्राइक। इस बीच चौथी बड़ी अपडेट, इजराइल की बड़ी कामयाबी, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया सफल, अब इजराइल को छू भी नहीं पाएंगे ईरान की मिसाइलें, बताएंगे आखिर कैसे ताकतवर हुआ इजराइल। वहीं INS रणबीर में धमाका, 3 जवान शहीद, दुखद खबर दोस्तों। INS रणबीर में धमाका हुआ है मुंबई, वो हम आपको बताएंगे। UN में पाकिस्तान को फिर से लथाड़ा, भारत ने कहा मुंबई ब्लास्ट के दोषियों को 5-स्टार की सुविधा दी गई है, UN में पूल खोल कर रख दिया पाकिस्तान के दोषी, करके आपको विस्तार से खबर बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, कोरोना के नए केसों ने फिर से बढ़ाया डर, 2,80,000 के मामले हुए पार, एक्टिव मामले भी 18 लाख के पार। बीते 4 दिनों में कोरोना वायरस के नए केसों में जो कमी देखने को मिल रही है वो फिर से खत्म हो गई है। बुधवार को आए बीते एक दिन के आंकड़ों में कोरोना 2,83,000 नए केसेस मिले, और इसके साथ ही देश भर में कुल सक्रिय मामलों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है, 18,31,000 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि एक तरफ कोरोना के नए केसेस 2,82,000 मिले हैं, तो वहीं आपको बता दें इसी दौरान 1,88,000 से ज़्यादा लोगों ने कोरोना को मात भी दे दी है। हालांकि आपको बता दें कि COVID-19 एक बार फिर से बेकाबू होता नजर आ रहा है, और यही कारण है कि मोदी सरकार ने देश भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया और कहा है, तमाम साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों ने कहा है कि आने वाले फरवरी के मध्य तक पीक पर कोरोना हो सकता है। ऐसे में हम एक और अपडेट लेते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे नए उपथल सेना प्रमुख, अभी संभाल रहे हैं पूर्वी कमान की जिम्मेदारी। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति का इंतजार कर रहा है। इस बीच खबर आ रही है कि भारत सरकार ने पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्ति करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जनरल पांडे लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती की जगह लेंगे, जो 21 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। न्यूजर्सी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि काफ़ी वक्त से सरकार उप थल सेना प्रमुख के नाम पर विचार कर रही है, जिस पर मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे का नाम फाइनल हुआ है। दरअसल मनोज पांडे, आपको बता दें, एक वीर सैनिक के रूप में काम कर रहे हैं, और वैसे तो सैनिकों का कहीं ना कहीं जमावड़ा है, लेकिन आपको बता दें जिस चतुराई और कहीं ना कहीं मस्जिदों में भी अगर ऑपरेशन के समय मस्जिदों से अनाउंस कराना हो या मस्जिदों में घुस करके मुसलमानों का साथ लेना हो, इन सारी चीज़ों में माहिर हैं। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी थल सेना के जो प्रमुख बनाए जा रहे हैं मनोज पांडे, ये मुसलमानों से भी अपना काम अच्छी तरीके से कैसे निकाला जाता है, मस्जिदों से आतंकियों को लेकर कैसे एक तरीके से ये पुकारा जाता है, अनाउंस करवाया जाता है कि आप सरेंडर कर दिए, ये सब कुछ जो है वो घाटी में करके शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं मनोज पांडे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं, फिर दुनिया के सामने बेनकाब हुआ पाकिस्तान, तो अमेरिका ने निकाली भड़ास, बोले पूरी तरीके से करेंगे ब्लैकलिस्ट और करेंगे एयर स्ट्राइक, आतंकियों का अड्डा बना रखा है। FBI ने टेक्सास के एक यहूदी सभागार में 4 लोगों को बंधक बनाए जाने के एक संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकी को ढेर कर दिया है। यह आतंकी पाकिस्तानी न्यूरोसाइंटिस्ट की रिहाई की मांग कर रहा था। इस घटना के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान का आतंकी चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। मारे गए अपहरणकर्ता ने शनिवार को अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों को मारने की साजिश रचने वाले एक पाकिस्तानी न्यूरोसाइंटिस्ट की रिहाई की मांग कर रहे थे मांग की थी। इससे पहले इस्लामाबाद ने भी बार बार वाशिंगटन से सिद्दीकी की रिहाई की मांग की थी, और ये मांग पाकिस्तान और उनके चरमपंथी हलकों में खूब होती रही है। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान आतंकवाद की लड़ाई की ताज़ा कड़ी शनिवार सुबह उस समय शुरू हुई जब खुद को मोहम्मद सिद्दीकी बताने वाले व्यक्ति ने डलास फोर्स वर्थ के इलाके में शामिल हुए। हालांकि आपको बता दें, इन सब के बाद FBI ने तो उनको मार दिया, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने सीधे सीधे पाकिस्तान को धमकी दी है। अमेरिका ने कहा है कि अगर आतंकी और आतंकी के सरपरस्तों पर कार्रवाई नहीं की गई तो आतंकी पाकिस्तान एयर स्ट्राइक के लिए तैयार रहे और आने वाले समय ब्लैकलिस्टेड भी किया जाएगा। हम चलते हैं
और अपडेट, इसराइल का बड़ा धमाका, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल टेस्ट का किया सफल परीक्षण, ईरान छू भी नहीं पाएगा, ईरान की मिसाइलें इसराइल को वायुमंडल के बाहर ही तीर से हो जाएंगी तबाह। जी दरअसल ईरान के बढ़ते मिसाइल खतरे के बीच इसराइल ने अपने एरो 3 एंटी ब्लास्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। इसराइल ने धरती के वायुमंडल के बाहर दुश्मन मिसाइल को तबाह कर दिया है। इस दौरान इसराइल की कई महत्वपूर्ण क्षमताओं का परीक्षण किया गया जिसे तत्कालीन इसराइली वायुसेना इस्तेमाल कर सकती है। इससे पहले गत दिसंबर महीने में ईरान ने एक बार एक साथ 16 मिसाइलें दागकर इसराइल को बड़ी चेतावनी दी थी। इसराइल का एरो वेपन सिस्टम मिसाइल परीक्षण श्रृंखला का हिस्सा है जिसे उसने हाल ही के वर्षों में ईरान लेबनान के हिजबुल्ला या गाजा पट्टी में फलस्तीन समूह हमास के साथ भविष्य के किसी भी टकराव से खुद को बचाने के लिए विकसित किया है। तो दोस्तों इसराइल कहीं ना कहीं जिस तरीके से नए नए टेक्निक विकसित कर रहा है इससे इसराइल कहीं ना कहीं ईरान और अपने दुश्मन देशों को मुश्किलें बढ़ा रहा है। एक और अपडेट, दुखद खबर भारत के लिए। जी हां, मुंबई यानी रणधीर में हुआ धमाका, 3 जवान शहीद, जांच के दिए गए आदेश। जी हां दोस्तों, मुंबई में युद्धपोत रणबीर INS में ब्लास्ट हुआ। मंगलवार देर शाम INS रणबीर में ब्लास्ट होने में से भारतीय नौसेना के 3 जवान शहीद हो गए जबकि कई घायल हो गए बताए जा रहे हैं। दरअसल भारतीय नौसेना के अधिकारी ने ब्लास्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि INS रणबीर पूर्वी नौसेना कमान से क्रॉस कोस्ट ऑपरेशन तैनाती पे था और जल्द ही बेस पोर्ट पर लौटने वाला था। इस दौरान INS रणबीर में ब्लास्ट हुआ था। नौसेना के अधिकारी ने कहा है कि जहाज के चालक दल ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। फिलहाल इस ब्लास्ट में किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि INS रणबीर में ब्लास्ट कैसे हुआ इसकी जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर, भारत ने UN में पाकिस्तान को फिर से लथाड़ा, कहा मुंबई ब्लास्ट के दोषियों को दी है 5-स्टार सर्विस। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को फिर से एक बार लथाड़ दिया है। भारत ने मंगलवार को कहा है कि 1993 के मुंबई ब्लास्ट विस्फोट के दुष्कृत दोषियों को पाकिस्तान ने न केवल संरक्षण दिया है बल्कि उन्हें 5-स्टार सर्विसेज भी दी गई है। आपको बता दें कि मुंबई ब्लास्ट का दोषी डी कंपनी का प्रमुख दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में छिपे होने की बात लगातार कही गई थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल द्वारा आयोजित इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2022 में कहा कि आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के बीच संबंधों को पूरी तरीके से पहचाना जाना चाहिए और इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए। एक और अपडेट, गणतंत्र दिवस पर संभावित आतंकी हमले की खुफिया सूचना के बाद दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे पे पुलिस बल तैनात। गणतंत्र दिवस से पहले शहर में संभावित आतंकी हमले की सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा इंतजाम मजबूत कर दिया है। दिल्ली पुलिस के सूत्र ने INS को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऐसे मौके पर गणतंत्र दिवस पुलिस दिल्ली पुलिस हमेशा अलर्ट करती है। हम किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए चेकिंग बढ़ाते हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने एक आदेश में कहा है कि रिपोर्टरों के अनुसार कुछ आपराधिक या सामाजिक तत्व या भारत के विरोधी आतंकवादी आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों चप्पे पे सेना तैनाती। हम चलते एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, अमेरिका ने चेताया यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है रशिया। अमेरिका भी हुआ तैयार, अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पे। यूक्रेन पर बढ़ते तनाव को लेकर अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने इसे बहुत खतरनाक बताया है। हालांकि अमेरिका ने कूटनीति के दरवाजे खुले रखे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत में कहा है कि दोनों नेता इसी हफ्ते जिनेवा में मिलने को सहमत भी हुए हैं। हालांकि मिलने की बात में कितना वजन होता है और कितना इससे प्रभाव पड़ता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका ने सीधा सीधा रशिया को चेतावनी भी दे दी है और उन्होंने कहा है कि इस तरीके की चीज़ें हुई तो अमेरिका भी रिटेलिएट करेगा। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, पंजाब CM चन्नी के रिश्तेदारों के घर ईडी की रेड का मामला, अब तक 9 करोड़ से ज़्यादा का कैश हुआ बरामद। जैसे पंजाब में ईडी ने राज्य में लगभग 10 जगहों पर छापेमारी की और इस बीच छापेमारी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदारों के घर पर हुई है। ईडी ने मोहाली, लुधियाना और फतेहगढ़ साहिब में दबिश दी थी। आपको बता दें कि अब तक हनी मोहाली स्थित आवास में लगभग 8 करोड़ की कुल नकद जब्त की गई है जबकि पंजाब में अब तक कुल 10 करोड़ रुपये की जब्त की गई है। और आपको बता दें कि रेड किसी जगह पर ही की गई है, यानी हर जगह रेड भी नहीं की गई है। ऐसे में लगातार पैसे खूब मिल रहे हैं और रुपया करोड़ों करोड़ों में मिल रहा है।
तो ईडी जो है, ईडी के सोर्सेज जो है कभी भी गड़बड़ नहीं होते हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। आपको बता दें, अखिलेश ने कहा मुफ्त में देंगे बिजली, योगी ने कसा तंज, बाप मरा अंधियारे में, बेटा पावर हाउस बनेगा। दोस्तों, चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं के बयानबाजी आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सपा अखिलेश यादव के प्रदेश की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली देने के चुनावी वादे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा। सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा है कि बाप मार डारिस अधियारे में बिटवा पावर हाउस बनाएगा। इस तरीके से उन्होंने एक अवधि में जमकर उन्होंने निशाना साधा है और अखिलेश यादव पर सीधा कटाक्ष किया हुआ है। फिलहाल दोस्तों, बड़ी खबर उन्होंने, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, पल पल